पूरे देश में बदनाम हो चुके मध्य प्रदेश सरकार के सरकारी पदों पर भर्ती करने के लिए बने व्यापम संस्थान का नाम बदलने की तैयारी की जा रही है। आपको बता दें कि नया नाम मध्य प्रदेश प्रवेश एवं भर्ती परीक्षा मंडल होगा। शिवराज सरकार जल्द ही कैबिनेट की बैठक बुलाकर फैसला लेगी और माना यही जा रहा है कि संस्थान के व्यापम घोटाले के नाम से बदनाम हो जाने की वजह से ही शिवराज सरकार ये फैसला लेगी। और ज्यादा जानकारी के साथ अमित कुमार हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं। अमित, क्यों ये फैसला लिया जा रहा है? देखिए, जिस तरह से व्यापम उसमें तो नाम बनाई हुई है, उसके सरकार सोच रही थी कि पूरी सेक्टर से उभरा जाए, तो ये भी उसकी प्रक्रिया में शामिल है कि किस तरह से व्यापम का नाम बदला जाए। और ये कहा जाए कि पिछले कई महीनों से इस तरह के विचार विमर्श चल रहा था कि क्या किया जाए। पिछले जब 6 महीने पहले भी जिस तरह से ये बदनामी लगातार बढ़ रही थी, उस समय भी ये विचार किया जा रहा था कि इसका, लेकिन फिर ठंडे बस्ते में, लेकिन अब जिस तरह सीबीआई जांच हुई और पूरे देश दुनिया में इसकी बदनामी हुई है, इसको जल्दी से जल्दी नाम बदला जाएगा। जो आधिकारिक सूत्रों से बातचीत हुई है और उन्होंने इस बात की पुष्टि भी की है कि नाम जो है इस तरह किया जाएगा कि मध्य प्रदेश प्रवेश एवं भर्ती परीक्षा मंडल रहेगा। और जितनी जल्दी होगा, 7 दिन के भीतर भी हो सकता है, 8 दिन 10 दिन जितना भी लगेगा, जितनी शीघ्र अतिशीघ्र होगा कैबिनेट के फैसले के बाद इसे अमल में लाया जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया अमित, तमाम जानकारी के लिए आप